नमस्कार, मैं रोशन सिंह, ग्रेड एक्सपर्ट, और अभी मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ। आज मेरे साथ पूनम जोरीवाल जी हैं, जो राजस्थान से आए हैं। 7 दिन से यहाँ पे एडमिट हैं, और 7 दिन से एडमिट हैं, इनको किडनी की प्रॉब्लम है। तो इनसे जानते हैं 7 दिन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, इनसे ही जानते हैं। पूनम जी, बताइए आपको कैसा इम्प्रूवमेंट है, कैसा लग रहा है आप? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी, मुझे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही नहीं रहता था, और मैं बीपी की 6 मेडिसिन लेती थी। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती, हर महीने मेरी एक मेडिसिन और ऐड हो जाती। तो इसी परेशानी को लेके मैं यहाँ पे आई थी, और उसमें एक मेडिसिन तो मेरी ऐसी थी कि मैं उसको अगर हाफ एन आवर भी आगे पीछे कर दूँ तो मेरी वॉमिटिंग या मतलब उसके ना सीवियर सिम्टम्स शुरू हो जाते थे मेरे। तो यहाँ आने के बाद में जो मैं मेरी 2 मेडिसिन भी कम हो चुकी है, तो ये मुझे बीपी में भी रिलैक्स है, और मैं लॉन्ग टाइम तक चेयर पे सीटिंग नहीं कर पाती थी। मतलब मेरे को स्टिफनेस, पैरों में स्टिफनेस हो जाती थी, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टाइम से सीटिंग चेयर पे सीटिंग कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं मुझे थेरेपीज़ प्रोवाइड करी गई थी, जैसे कि हॉट वाटर टब। उसमें हमें लेटना होता है 90 डिग्रीज के पोजीशन में, और हाँ हाँ उसमें गर्म पानी होता है 40 डिग्री टेम्परेचर के आधार पे। तो डाइट पे यहाँ पे मिलेट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो जो तो बाकी आप जैसे जो पेशेंट है भारत में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी पेशेंट अगर अपने आप को ये मतलब कोई अगर बीमार पहले सबसे पहले तो अपनी बीमारी एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आके आप सब वापस ही सोच सकते हो कि यू कैन बी हेल्दी। थैंक यू सो मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए, और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।